विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन एक्सपोनेंट्स क्या है, नेगेटिव और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स। तो इसे हम कैसे सॉल्व करना वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, जो गिवन इक्वेशन है 6x-2 प्लस 7x-1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर x^-2 में है यानी फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स हैं, तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर x-1 है, x^-2 है, तो हम इसे n=x^-1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर ये इसे n का अगर स्क्वेयर किया तो x^-1 को भी होल स्क्वेयर करना पड़ता है, तो दिस इक्वल्स x^-2 बनता है। मतलब n=x^-1 अगर सब्स्टिट्यूट किया तो n²=x^-2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ भी x^-1 है हम n करेंगे, x^-2 है इधर, n स्क्वेयर करेंगे। यहाँ पर क्या जाएगा, 6n², क्योंकि x^-2 की जगह में हम n² रखा, तो प्लस 7x^-n है, तो n रखो, -5 इज इक्वल टू 0। अभी हम इधर फैक्टर्स से करेंगे, तो फैक्टर से करना है तो कोएफिशिएंट ऑफ n², तो उसका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ n² 6 है, तो इनटू -5 कांस्टेंट, तो कितना बनते हैं -30। तो -30 को हम अगर फैक्टर करना है तो और प्लस n भी आना है, तो 10 × 3 कर दो, 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर -30 चाहिए और इधर प्लस 7n भी चाहिए, तो ये प्लस 10 करो, इधर -3 कर दो, तो इन दोनों का समेशन प्लस 7n आ जाएगा, क्योंकि 10 में -3 गए तो 7 आ जाएगा, तो और दोनों का मल्टीप्लीकेशन -30 हो जाएगा। इसका मतलब 6n² - 3n कर दो इधर, और यहाँ पर प्लस 10n - 5 दिस इक्वल्स 0। तो अभी ग्रुपिंग एंड फैक्टरिंग करो, यहाँ पर दोनों में 3n कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव 5 कॉमन ले लो, तो 3n अगर हम कॉमन लिया तो यहाँ पर 2n रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पर 1 रिमेनिंग रहेगा, प्लस यहाँ पर 5 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर 2n - 1 रिमेनिंग रहेगा, दिस इक्वल 0। तो यहाँ पर देखो अभी 2n इसमें भी है, -1 इसमें भी है, बीच में पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब 2n - 1 दोनों में है, तो इसलिए हम कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग या 3n बच रहे और ये प्लस साइन के साथ 5 रिमेनिंग रहेगा, दिस इक्वल 0। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स मिल गया, 2n - 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा 3n + 5 इज इक्वल टू 0। तो नेगेटिव साइन वो साइड में लो, तो 2n = 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3n = -5 हो जाएगा, ठीक है। 2n = 1 है तो दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड किया तो ये दोनों कट हो जाएगा, n का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3n = -5 है तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड किया तो ये दोनों चली जाएगा, n का वैल्यू -5/3 आ जाएगा। n का वैल्यू -1/2 और n का वैल्यू -5/3 यहाँ पर आ गया, तो हम n सब्स्टिट्यूट किया है, n = x^-1, वो रिकॉल कर दो, तभी ये बनता है x^-1 = 1/2 बनता है, और यहाँ पर x^-1 = -5/3 बनता है, ओके। x^-1 मीन्स 1/x = 1/2, देयरफॉर x = 2। यहाँ पर क्या होता है, ये 1/x इज इक्वल्स टू -5/3 है, ठीक है। तो x^-1 मीन्स 1/x इक्वल्स -5/3 एज वेल, देयरफॉर x अगर ऊपर लिया तो 3 भी ऊपर लेना पड़ता है, दिस इक्वल्स x = -3/5। ये हमारा दूसरा, ये फर्स्ट मिला, ये दूसरा मिला, तो x का वैल्यू 1/2 और 1/-3/5, 2
and negative 3 by 5. Both are the roots of this quadratic equation. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.